नमस्कार दोस्तों, बैंक निफ्टी एनालिसिस की एक और वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, बैंक निफ्टी की फाइनल क्लोजिंग हमें मिली है 51,400 की और बैंक निफ्टी ने लास्ट डे की क्लोजिंग से 288 पॉइंट नीचे आके बैंक निफ्टी ने क्लोज किया। और बैंक निफ्टी देखेंगे तो छोटे से चैनल के अंदर में फंसा हुआ है। इसी चैनल के अंदर में बैंक निफ्टी फिलहाल ये ट्रेड कर रहा है, लेकिन नज़र बना के रखिएगा क्योंकि बैंक निफ्टी क्या है ना, देखिए बैंक निफ्टी कुछ मूवमेंट ही नहीं हो रही है। अगर आप इंट्राडे के चार्ट को अगर आप देख रहे हैं तो कोई भी मूवमेंट यहाँ पर हो ही नहीं रही है, तो आप कोई भी मूवमेंट पकड़ने की कोशिश भी मत करो। बहुत सारे लोग क्या इंट्राडे में मूवमेंट पकड़ने की कोशिश करेंगे और वो वहां पे जाके ट्रैप हो जाएंगे, क्योंकि एक ही कैंडल जाएगी, एक ही कैंडल कोई ऊपर चली जाएगी, उसके बाद फिर आके इसी जगह पे ये ट्रेड करने लगेगा। या इस कैंडल में अगर आप फंस गए तो अगर बैंक निफ्टी मान लीजिए यहीं पे ट्रेड करने लगा तो भी आपका प्रीमियम क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। तो शांति से बैठना आना चाहिए। देखिए कहीं पर कोई मूवमेंट नहीं हो रही है तो कहीं घूमने निकल जाइए, कुछ भी कीजिए, लेकिन अभी फिलहाल यहां से बैंक निफ्टी को अब देखिए। कब तक मत देखिए बैंक निफ्टी को, जब तक बैंक निफ्टी के कंपोनेंट यानी जो बड़े कंपोनेंट है, जो हैवी वेटेज रखते हैं कंपोनेंट, उस कंपोनेंट में जब तक कोई ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं होगा ना, तब तक यहाँ पे कोई बड़ी मूवमेंट नहीं मिलेगी और आप ट्रैप हो जाओगे। देखो कितनी छोटी छोटी कैंडल है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कितनी छोटी छोटी कैंडलें यहाँ पे बैंक निफ्टी में बनती हुई दिख रही है। तो इस कैंडल में आप क्या कमाओगे, नंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा? कब आप एनालिसिस करोगे, कब एनालिसिस का ब्रेकआउट होगा, कब ट्रेड लोगे और कब वो ट्रेड प्रॉफिट में जाएगा? कुछ मूवमेंट ही नहीं हो रही तो आप ऐसा कुछ कर ही नहीं सकते हो यहाँ पे। तो शांति से बैठिए और देखना छोड़ दीजिए। कब तक देखना? दो चार दस दिन छोड़ दीजिए देखना, या बड़ा ब्रेकआउट होने दीजिए, बड़ा ब्रेकडाउन होने दीजिए। बड़ा ब्रेकआउट कहाँ पे होगा? बड़ा ब्रेकआउट ये है, ये लेवल जो है वो ब्रेकआउट का लेवल है। ब्रेकडाउन का लेवल क्या होगा? ब्रेकडाउन का लेवल एक बार ये पहले सपोर्ट का काम करेगा, अगर इस सपोर्ट को ब्रेक करता है तो फिर नेक्स्ट सपोर्ट ये आएगा और ये जो लेवल होगा वो यहाँ पे होगा ब्रेकडाउन का लेवल। इसके बीच में मुझे नहीं लगता कुछ बड़ी मूवमेंट आपको कैच करने को मिलेगा, क्योंकि कंपोनेंट ही उसी तरीके से ट्रेड कर रहा है। अब चलिए हम 15 मिनट के चार्ट पे बैंक निफ्टी को जरा देखते हैं कि बैंक निफ्टी किस तरीके से सारा दिन मूवमेंट कर रहा है। यहाँ पे मैंने 15 मिनट का चार्ट लगा लिया। 15 मिनट का चार्ट एक दिन को मत देखिए, यहाँ पे देखिए 15 मिनट के चार्ट पे, यहाँ पे देखिए दो दिन में कोई भी मूवमेंट नहीं हुई। दो दिन में यहाँ पे देखेंगे तो कोई भी मूवमेंट, कोई भी ऐसा ट्रेड यहाँ पे आप इनिशिएट ही नहीं कर रहे। यहाँ पर देखेंगे तो सुबह थोड़ा सा मूवमेंट गया, उसके बाद से सारा दिन बैंक निफ्टी एक ही जगह पे खड़ा रहा। यहाँ पे देखेंगे बैंक निफ्टी ऊपर गया, फिर उतना ही नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर इसको ब्रेकआउट किया, थोड़ा सा मूवमेंट मिले और फिर यहाँ पे जाके सारा दिन वहीं पर टाइम पास करने लगे। यहाँ पे देखेंगे तो सारा दिन टाइम पास ही है। यहाँ पर भी देखेंगे तो थोड़ा सा यहाँ पे डाउन साइड का मूवमेंट मिला, लेकिन ज़्यादातर टाइम देखेंगे तो टाइम पास ही बैंक निफ्टी कर रहा है। यहाँ पे देखेंगे तीन चार दिन से देखिए कंटिन्यू तीन चार दिन से टाइम पास ही है। इस मूवमेंट की बात करें तो इस मूवमेंट को आप 3 बजे के बाद क्या मूवमेंट पकड़ोगे और किस मूवमेंट के लिए आप वेट करोगे? क्या मालूम कि 3 मिनट यहाँ भी जाएगा कि यहाँ पे रुक जाए, क्योंकि ब्रेकआउट लेवल कुछ है ही नहीं, यहाँ पे कुछ ट्रेड ही नहीं बन रहे हैं। आप इन ट्रेड में एंट्री ही नहीं कर पाओगे, इस ट्रेड को आप पकड़ ही नहीं पाओगे, देखते देखते ये ट्रेड निकल के चला जाएगा। क्योंकि क्या हो रहा ना यहाँ पे, अगर देखिए इसी तरीके के ट्रेड अगर हर दिन होते तो ये ट्रेड समझ में आता आपको। हर दिन क्या हो रहा कि मूवमेंट हो ही नहीं रही तो क्या होता, इस मूवमेंट का अंदाजा ही नहीं लग पाएगा। ध्यान कि इस मूवमेंट का अंदाजा ही नहीं लग पाएगा। ये तो यही हो गया कि बस हाँ लिए थे कि शायद जाएगा तो चला गया, लेकिन ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन तो कहीं पर दिख ही नहीं रहा ना, कुछ यहाँ पर दिख ही नहीं रहा, तो आपको कोई मूवमेंट यहाँ पर पकड़ में आएगी नहीं। तो सबसे अच्छा यही है कि शांति से बैठिए, ये चार्ट को देखना अभी फिलहाल छोड़ दीजिए। कब तक? जब तक कि कंपोनेंट, हाँ आप कंपोनेंट के चार्ट में देखिए या फिर बहुत अच्छे अच्छे कैश में स्टॉक चलते हैं वहां पे आप नजर बना के रखिए, लेकिन फिलहाल बैंक निफ्टी इंडेक्स को, बैंक निफ्टी तो खासतौर से भी शांति से बैठे रहिए। कब तक? जब तक कि इसके कंपोनेंट में ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं होगा। अगर यहां पर देखेंगे तो थोड़ा सा सपोर्ट जो दिख रहा है वो ये लेवल सपोर्ट का लेवल है बैंक निफ्टी के लिए। ऑलरेडी यहां पर 51,222 ये सपोर्ट का लेवल यहां पर दिख रहा है। इस सपोर्ट को ब्रेक करेगा तो फिर से नीचे एक सपोर्ट यहां पर दिखेगा जो कि आपको 51,55 के आसपास मिलेगा। तो सपोर्ट लेवल ही है, तो यहां पे कोई ट्रेड आप कर ही नहीं पाओगे। हो सके यहां पे ओपन हो, यहां तक आए, फिर घूम जाए, तो आपको कहीं पे कुछ भी नहीं मिलेगा। ऊपर की साइड में रेजिस्टेंस देखेंगे तो ये वाला एरिया है, फिर से रेजिस्टेंस का काम करेगा। जो ये पिछले तीन चार दिनों का रेजिस्टेंस बना है वो ये वाला एरिया है, नीचे ये सपोर्ट है। तो ऊपर की साइड में ज्यादा मूवमेंट भी नहीं हो रही क्योंकि ऊपर की साइड में वो ट्रेंड लाइन आ जा रही, तो ट्रेंड लाइन पर नजर बना के रखिएगा, जिस ट्रेंड लाइन को मैंने 15 मिनट के चार्ट पे बनाया। तो सबसे अच्छा यही है कि मेरी तरह आप भी कहीं घूमने निकलो, एक दो दिन घूम के आओ, फिर जाके चार्ट को थोड़ा देखो, चार्ट में अभी भी कुछ ब्रेकआउट ब्रेकडाउन नहीं है, फिर से एक आध दिन के लिए घूमने चले जाओ। नेक्स्ट वीक में देखेंगे कि क्या ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन यहाँ पे बैंक निफ्टी करता है, तो उस हिसाब से फिर नई मूवमेंट यहाँ पे कुछ बन सकती है। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।